अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में यूपी स्टाइल चिकन कोरमा। तो ये रेसिपी बहुत ही पॉपुलर है यूपी में, यूपी के आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी यूपी में इसी तरह से बनता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ये हमारा तरीका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सरसों का तेल गर्म होने रख दिया है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ होता है, आपकी मर्ज़ी आप कोई सा भी तेल ऐड कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया, हमने प्याज ऐड कर दिया तेल में। तो इस रेसिपी में मैंने 4 ओनियन का यूज़ किया है, 2 ओनियन मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। इसका मैं होल गर्म मसाले के साथ पेस्ट बनाऊँगी, और 1 ओनियन को मैंने जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और 1 प्याज से हम बघार लगाएंगे। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बिग साइज़ के ओनियन का यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास जो चिकन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर ओनियन को ब्राउन कर लिया है, और अब फ्राई ओनियन को बाहर निकाल लेंगे तेल से, और आपको बाकी के इंग्रेडिएंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी इंग्रेडिएंट निकाल कर रख लिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ चिकन लिया है, चिकन मैंने 1.5 kg लिया है यानी 1.5 किलो, और चिकन को वॉश करने के बाद हमने एक बर्तन में पानी ऐड किया तकरीबन 2 ग्लास, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर दिया, और इस तरह से मैंने चिकन को कलर कर लिया है। तो ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ शादी वगैरह में कलर किया जाता है चिकन, तो मैंने कर लिया कलर। यहाँ पर मैंने 1 प्याज को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है क्योंकि इससे मैं बघार लगाऊंगी, चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है टेंडर होने में, तो इसलिए मैंने बारीक कट कर लिया। बघार के लिए मैंने होल स्पाइसेस ले लिए हैं, जिसमें से 1 दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 2 लवंग, 1 स्टार एनिस, 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं। इन चीज़ों से हम बघार लगाएंगे चिकन में, और यहाँ पर 1 प्याज हम ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट में। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, उसमें 1 ओनियन ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये ब्राउन ओनियन है जो हमने अभी फ्राई किया है, इसके साथ 2 इंच गरी का टुकड़ा है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी, उसके बाद पेस्ट बनाऊँगी। 1.5 टीस्पून जीरा ले लिया है होल, 1 बड़ी इलायची, जायफल मैंने ले लिया है 1/4 पीस, और 3 छोटी इलायची यानी हरी इलायची, और साथ ही साथ 3 लवंग ले लिया है मैंने, 2 जावित्री के टुकड़े ले लिए हैं मैंने, और 1 टीस्पून मैंने होल काली मिर्च ले लिया है। तो इन सबका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, नमक मैंने 1.5 टीस्पून ले लिया है या फिर हसबे जायका, तो जिस ऑयल में मैंने ओनियन फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं होल स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। ऑयल मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऐड किया था, लगभग 100 ग्राम के करीब। प्याज भी ऐड कर दिया, प्याज को अच्छे से हम भुन जाने देंगे। तो ऑयल अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन इस कोरमे में ऑयल ज़्यादा ही ऐड होता है। तो अच्छे से प्याज भुन चुका है, अब हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। तो हमने सारे चिकन पीसेस को ऐड कर दिया ऑयल के अंदर, और यहाँ पर अच्छे से चिकन को भुन जाने देंगे तेल के अंदर। 5 से 6 मिनट तेल में हम फ्राई कर लेंगे चिकन को, क्योंकि चिकन को जितनी ज़्यादा देर ऑयल में फ्राई करेंगे वो उतना टेस्टी बनेगा। तो इसलिए मैं 5 से 6 मिनट कम से कम फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद ही हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो ये देखें आप, अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है ऑयल के अंदर। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक और ओनियन पेस्ट जो हमने तैयार किया था, और जिंजर गार्लिक ऐड कर देने के बाद अब हम तो 10 मिनट हम अच्छे से फिर से भून लेंगे चिकन को, जिंजर गार्लिक पेस्ट ओनियन पेस्ट को, ताकि इनका कच्चापन जो है वो निकल जाए, और इसकी जो भुनाई होती है वो मेन होती है, इसके मसाले वगैरह जो है वो अच्छे से भुन जाएंगे तो उतना ही टेस्टी कोरमा तैयार होगा। और अब हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से स्पून से मिला लेंगे, और अब हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को, और अब हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और अब हम यहाँ पर फ्राई ओनियन, होल गरम मसाले, गरी, इन तीनों का जो पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर चुका है चिकन, और दिखने में ही लग रहा है यम्मी बिल्कुल। तो चिकन की जो भुनाई है उसमें टाइम लग जाता है, और यहाँ पर अच्छे से चिकन भी टेंडर हो जाता है। तो मैंने यहाँ टोटल 20 मिनट अच्छे से मसाले और चिकन को फ्राई किया है,
और अब हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर पानी मैंने 1.5 ग्लास ऐड किया है, यानी 1.5 ग्लास, क्योंकि चिकन भी ज़्यादा था। और अब इसी जगह पर नमक वगैरह चेक कर ले, अगर कम हो तो फिर से ऐड कर दे। और अब हम इसको ढकना लगा कर कुक होने देंगे। लो फ्लेम पर हम यहाँ पर कुक होने के लिए रख देंगे चिकन को, क्योंकि चिकन ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। तो ढकना लगा देंगे हम और 10 मिनट बाद चेक करते हैं। तो देखिए, चिकन कोरमा हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इस कोरमे को फटाफट करते हैं डिश आउट। तो लीजिए, हमारा चिकन कोरमा यूपी स्टाइल तैयार है बनकर। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।